तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से सैमसंग का फ़ोन है और यहाँ पे आपको जो है कैमरे में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ये जो कैमरा है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है या तो फिर बैक कैमरे में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैमरे का प्रॉब्लम। ओके, तो जब भी आप फोटो खींचते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊँगा। इन सभी तरीकों को आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गाइज आप जो है अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, पावर ऑफ करिए, हो सकता है रिस्टार्ट पावर ऑफ करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बट अगर यहाँ पे रिस्टार्ट और पावर ऑफ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपने फ़ोन को जो है फ़ोन शॉप पे ले जाना है, और वहाँ पे दोस्तों आपको बोलना है कि ये कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है फ़ोन शॉप पे जाइए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सेटिंग करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है हो सकता है हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, कैमरा का प्रॉब्लम जो है वो हार्डवेयर का होता है बेसिकली, तो हो सकता है हार्डवेयर का प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको सेटिंग करके नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं सेटिंग करके आपको बता देता कि हाँ यहाँ पे जाइए और जो है कैमरा को सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो है हार्डवेयर का प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आप जो है जाइए दोस्तों और जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।